बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आमीन सुम आमीन। आज हम आपके लिए बना रहे हैं वाइट कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कप कुकिंग ऑयल डालेंगे, दो टेबलस्पून मक्खन डालेंगे, एक तेज पत्ता, तीन चार सफेद इलायचियां, एक दालचीनी का टुकड़ा, ये जवित्री है, थोड़ी सारी चार लौंग है, एक के जी चिकन है, चिकन गोल्डन ब्राउन हो रही है, अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसको निकाल लेंगे। दो मीडियम प्याज लेंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे, तीन हरी मिर्चें लेंगे, अब इसका पेस्ट बना लें। अब इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें प्याज डाल दें, प्याज के पेस्ट को बना लेंगे, डाल दें। अब इसको अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें प्याज डाल दें, प्याज के पेस्ट को बना लेंगे, डाल दें। अब इसको अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। एक टेबलस्पून खसखस है, इसको अच्छी तरह धो के चाय वाली छलनी के साथ छान लिया है। दो टेबलस्पून बादाम है, इनको आप ग्राइंड करके पेस्ट बनाएंगे। एक टीस्पून अदरक है, एक ही टीस्पून लहसुन है, प्याज लाइट ब्राउन हो गया है, अब इसमें चिकन डालेंगे, दो मिनट इसी तरह फ्राई करेंगे, फिर इसमें एक कप पानी डालेंगे, एक कप पानी डाल दें, अच्छी तरह से गोश्त गल जाए। एक टीस्पून नमक डालेंगे, डेढ़ स्पून काली मिर्च डालेंगे, थोड़ी देर इसको और भूनेंगे,
ऊपर ऑयल आ गया है, अच्छी तरह भून गया। दही डालेंगे एक कप, अब बादाम और खसखास का पेस्ट डालेंगे। एक कप क्रीम डालेंगे। रहमान रहीम, एक टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। बहुत सारा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी सारी अदरक काट के डालेंगे। आप डिश आउट करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। व्हाइट कढ़ाई तैयार है। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। बेल का बटन दबाएं। अल्लाह हाफिज़। रब रखा।